खबर हल्द्वानी की है, जहां गरीब और कूड़ा उठाने वाले बच्चों के बेहतर जीवन के लिए हल्द्वानी पुलिस व्यापक अभियान चलाने वाली है। एक महीने चलने वाले इस आंदोलन की शुरुआत 1 मार्च से होगी। सिटी एसपी प्रकाश चंद्र ने बताया कि हर साल चलाए जाने वाले इस आंदोलन में ऐसे गरीब बच्चों को ढूंढकर उन्हें एनजीओ के माध्यम से स्कूलों में एडमिशन दिलाया जाएगा, जिससे उनका भविष्य बेहतर हो सके। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो धरोहर विकास संस्था द्वारा संचालित आश्रय गृह है, आश्रय गृह में बेसिकली जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है, भील बाल भिक्षुक या कूड़ा बीनने या भीख मांगने वाले जो बच्चे हैं, उनकी जो हमें जो सबसे मुख्य ज़्यादा समस्या लगती है वो बच्चों के घर को लेकर करके ऐसा घर से इनका मेरा तात्पर्य यह है कि जो घर घर जो है तैयार करे रहते हैं अपनी आय उपार्जन के लिए, क्योंकि वो बच्चा अगर भीख मांगने या कूड़ा बीनने जा रहा है तो पर डे का कुछ ना कुछ उन लोगों को कैश इनकम दे रहा है, तो उस कैश इनकम को हम लोग अगर तोड़ते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा जो विरोध का सामना करना पड़ता है वो इनके माता पिता का है सर। इस वर्ष भी ये अभियान 1 माह का चलाया जा रहा है, आज इसकी लॉन्चिंग हुई है, जिसमें फर्स्ट फेज 1 से 15 तक हम बच्चों को चिन्हीकरण करेंगे और उनको रिहैबिलिटेट करने का प्रयास करेंगे, जिसमें आज हमने एनजीओ और अपनी टीम और सीडब्ल्यूसी के साथ मीटिंग की है और ये टास्क दिया है कि प्रतिदिन हम जितने बच्चे चिन्हित करेंगे उसकी सूचना हम इकट्ठा करेंगे। और सेकंड फेज में हम 16 से लेकर 31 मार्च तक इनके व्यापक प्रचार प्रसार, पब्लिक में एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे कि बच्चों को भिक्षा नहीं शिक्षा देनी है। और वैसे मैं अपने संस्था में भी मिशन उड़ान करके मैं एक थीम चलाती हूँ, जिसमें हम लोग बच्चों के लिए एजुकेशन का प्रोग्राम चलाते हैं, बच्चों के एजुकेशन करवाते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, सर से 2 बच्चों का एजुकेशन का जो चार्ज होता है, फीस वगैरह, उनके स्कूल बैग, थर्मस बॉटल, इस तरीके का सामान देते हैं। सर ने मुझे इस थीम के बारे में बताया कि ये मिशन ऑपरेशन मुक्ति चलाएंगे।